हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू देने जा रही हूँ लोटस हर्बल्स के वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम का। मैं लोटस के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और ये प्रोडक्ट भी मैंने परचेज़ किया था और इसे यूज़ किया है मैंने फुल वन मंथ के लिए। ये 18 ग्राम्स की ट्यूब मैंने 99 रुपीज़ में ख़रीदी थी, तो मुझे ये ट्राई करनी थी बिकॉज इसमें लिखा है ये वाइट ग्लो क्रीम है, तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई थी, यू नो सनटैन हो गई थी, तो इसीलिए मैंने इसे यूज़ करना चाहा। तो इसमें जो है लिखा है कि ये स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम है और इसमें SPF 20 भी है, 25 भी है, तो अगर आप इसे यूज़ करके कहीं जाना चाहते हो धूप में तो आप बेशक जा सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र कभी कभी ऐसा होता है कि मॉइस्चराइज़र्स बहुत स्टिकी हो जाते हैं, तो मॉइस्चराइज़र की जगह पर अगर आप ये क्रीम यूज़ करते हो तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहती है और काफ़ी अच्छी भी रहती है। तो ये जो क्रीम है ये मैंने यूज़ की है वन मंथ के लिए और इसके बाद मुझे इसका रिज़ल्ट जो है इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। या अच्छी है, लाइक ब्राइटनिंग जेल क्रीम है जैसा लिखा है, स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और अच्छी लगती है और यू नो मॉइस्चराइज लगती है, बट वाइटनिंग का मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं लगा इस क्रीम का। वन मंथ के लिए मैंने यूज़ किया है तो शायद मुझे इसे और यूज़ करना चाहिए, बट अब तक तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट है। हाँ, ब्राइट और अच्छी तो लगती है स्किन, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज और रेडियंट भी लगती है और जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है इससे, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। बट वाइटनिंग के थ्रू इतना ज़्यादा फास्ट इफ़ेक्ट नहीं करता है ये, तो मुझे ऐसे लगता है मुझे इसे और यूज़ करना चाहिए, बट अब तक मुझे ऐसे लगा है कि वाइटनिंग का काम इतना नहीं करती है ये। तो 99 रुपीज़ में 18 ग्राम्स काफ़ी अच्छा है, यू कैन गिव इट अ ट्राई, यू नो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ट्यूब परचेज़ कर सकते हैं बिकॉज ये सिर्फ 99 में आती है। तो अगर आप पे इफेक्ट करें तो आप इसका जार ले सकते हैं, इसका जार भी आता है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो ऑयली ड्राई कोई भी स्किन पे ये सूट कर जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट। ये देखिए काफ़ी थिक है ये क्रीम, और ये इजीली स्किन में समा जाती है। ये देखिए, और मॉइस्चराइज भी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ग्रेप फ्रूट और एक परफ्यूम की जैसी खुशबू आती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो धीरे धीरे चली जाती है। बहुत ही सॉफ्ट और इंस्टेंटली वैनिश हो जाती है ये स्किन में, तो आप भी इसे डेफिनेटली ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।